कई स्कूलों को बम रखे होने की धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया। पेरेंट्स को जैसे ही स्कूलों की तरफ से ये जानकारी भेजी गई तो पेरेंट्स खौफजदा हो गए, स्कूल पहुंचे। स्कूलों के बाद सैकड़ों की संख्या में बच्चों के पेरेंट्स के पहुंचने से हड़कंप मचा। पेरेंट्स ने कहा कि स्कूलों को जब सुबह ही ईमेल मिल गया था तो उन्हें हमें पहले ही मैसेज भेज देना चाहिए। पुलिस ने पेरेंट्स को कहा कि वो पैनिक ना क्रिएट करें। जिन स्कूलों को ये धमकी मिली उनमें द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल हैं। द्वारका के हाई प्रोफाइल डीपीएस स्कूल में बम रखे होने की धमकी दी गई। सुबह 6 बजे दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल की तलाशी की गई। इस पूरे मामले पर डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया। उधर स्कूल की तरफ से बच्चे को वापस ले जाने के लिए मैसेज मिला। बच्चों के माता पिता हड़बड़ी में स्कूल पहुंच गए। बच्चों के पेरेंट्स को बताया गया कि हमें स्कूल से ये नहीं बताया गया था कि बच्चे को क्यों वापस भेज रहे हैं। मेरा बेटा क्लास 10th में है, 10th बी में, और ये इन्फॉर्मेशन हमें अप्रॉक्सीमेटली 6:20 6:30 के बीच के आसपास मिली है, क्योंकि एक मैसेज आया था कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण स्कूल आज बंद रहेगा। तो हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक था कि ये अचानक से ऐसे स्कूल क्यों बंद हो गया, क्योंकि 13 सालों में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। इस पूरे मामले पर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली रविंद्र सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। बाकी जैसा अभी आपने देखा, एलजी साहब इस डीवी स्कूल में आए थे मॉडल टाउन में, तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई। हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बीडीटी हैं, स्निफर डॉग्स हैं, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है, तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि दिल्ली के स्कूलों को अक्सर इसी तरह धमकी भरे ईमेल किए जाते रहे हैं। फरवरी महीने में दिल्ली के आरकेपुरम स्थित डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल को इसी तरह का ईमेल किया गया था। साकेत कैमिटी स्कूल को भी फरवरी में इसी तरह का ईमेल किया गया था। इस ईमेल में स्कूल से पैसे भी मांगे गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके।